गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लोग भाषा क्लास स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 4 हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो इस अध्याय को एक कहानी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप लोग तो APJ अब्दुल कलाम जी का नाम से भली भांति परिचित होंगे। उन्होंने इस अध्याय के माध्यम से अपना एक अनुभव साझा किया है कि जीवन में हम सबका हार जीत तो लगी रहती है, पर हारने पर काम छोड़कर हटना नहीं चाहिए, बल्कि नए उत्साह या नए संघर्ष के साथ काम करना चाहिए। ऐसा करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं कहानी की ओर। बच्चों, APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलू अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी था। वे मिसाइल मैन और जनता राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। वे भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर जैसे छोटे से शहर के गरीब परिवार में हुआ था। एक वैज्ञानिक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो में कलाम जी का लंबा कार्यकाल रहा और इसके बाद उनको राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। कलाम जी कहते हैं कि इसरो में काम करने के दौरान उन्हें सफलता और असफलता को लेकर बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका मानना था कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सफलता को सहज रूप से स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। जो हार को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, उसे ही बाद में जीत का सच्चा सुख मिलता है। हारने पर घबराने के बजाय हिम्मत और साहस लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वे अपने अनुभव से इस बात को सीखे हैं। बात 1979 की है। SLV का लॉन्च होना था और उस मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। पूरे देश और दुनिया की नज़रें इस कार्यक्रम पर टिकी हुई थी। मीडिया की भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद संदेश फ्लैश हुआ और तकनीकी में परेशानी आ गई थी। टीम लीडर होने के नाते निर्णय कलाम जी को लेना था। कंप्यूटर का संदेश था कि लॉन्च में दिक्कत है, फिर भी कलाम जी कंप्यूटर को बाईपास करके लॉन्च का निर्णय लिया और लॉन्च फेल हो गया। निर्णय करने से पहले कई सारे बातें दिमाग में आते हैं, लेकिन निर्णय हमें साहस के साथ करना पड़ता है और जो निर्णय कलाम जी ने लिया था उसका परिणाम था असफलता। वह कलाम जी और उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी हार थी और उस समय कलाम जी को डर का अनुभव हुआ था। तभी इसरो के चेयरमैन सतीश धवन जी आए और वास्तविक रूप से वह एक महान लीडर थे। उन्होंने कलाम जी को संभाला और मीडिया से आमने सामने होकर कहा कि हम SLV लॉन्च में असफल रहे। टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी हमें और काम करना होगा। यह एक अच्छे लीडर की पहचान थी, क्योंकि हार की जिम्मेदारी सतीश धवन ने अपने ऊपर ले ली और उनकी टीम को निराश नहीं किया। लेकिन इस हार से कलाम जी को बहुत कुछ सीख मिला। जीत का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन अच्छा लीडर वही है जो हार की जिम्मेदारी खुद पर लें और जीत का श्रेय अपनी टीम को दें। 1979 में असफल होने के बावजूद
उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश को जारी रखी। 1980 में SLV का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इस बार खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह हमारे देश की गौरव की बात थी। कुछ समय पश्चात सतीश धवन जी आए और बधाई देते हुए कलाम जी को कहा कि जाओ अब तुम मीडिया का सामना करो और अपनी जीत की जानकारी दो। धवन जी ने हार की जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ले ली, किंतु जीत का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से टीम को दे दिया था। हम सबको इससे सबक लेना चाहिए। एक अच्छे नेता के लिए विजन यानी दूर की सोच जरूरी है। इसी के साथ लीडर टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। लीडर में अपने विजन को पूरा करने के लिए लगन भी होना चाहिए, क्योंकि अपने सपने को पूरा करने के लिए लीडर को लगन के साथ काम में जुट जाना चाहिए। इससे ही सफलता मिलती है। जब भी आप लोग कुछ बड़ा काम करेंगे तो परेशानी तो आएगी, समस्याएं तो आती रहेगी, परंतु उससे नहीं घबराकर समस्याओं से जूझना सीखें। आप समस्याओं का कैप्टन बने, समस्या को अपना कैप्टन न बनने दें। कलाम जी के अनुसार समस्याओं से विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है। जब कुछ नया कुछ अलग सोचते हैं तभी आप कुछ अलग कर पाते हैं, समाज को नया रास्ता दिखा पाते हैं। यह जरूरी है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। एक और बात, लीडर के अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे इलाकों में जाने की हिम्मत जहां पहले कोई न गया हो, ऐसे क्षेत्र की खोज जो पहले अनदेखा रहा है। कलाम जी ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी यात्राएं की हैं, देश के लाखों बच्चों से मिला है और कलाम जी को बच्चे बहुत प्रिय थे। तो बच्चों, वास्तव में कलाम जी के अनुभव के अनुसार हमें एक बड़ी सीख मिल गई कि समस्याओं से हारने के बजाय उसी समस्याओं का सामना करके सफलता प्राप्त करने से ही सच्चा सुख मिलता है। बच्चों, अब हम अपनी अगली कक्षा में कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।